अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के हम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट का पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, आज की वीडियो में दोस्तों सबसे पहली जो खबर आपको कतर से मैं सुनाने वाला हूँ, साथियों मैं कुछ खबरें कतर के बारे में भी आपको बताऊंगा और कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं दुनिया में हुई हैं इसके बारे में दोस्तों बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। एक तो दोस्तों सबसे पहली जो खबर आ रही साथियों, एक बहुत ही बड़ा ट्रेजेडी हुआ है जिसमें लगभग बताया दोस्तों ये जा रहा है कि लगभग 40 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे मारे गए हैं। साथियों ये घटना जो घटी है अफगान फॉरेन मिनिस्टर के तरफ से बताया गया कि 80 अफगानी सिटीजन जो है एक ट्रेजेडी के दौरान दोस्तों मारे गए हैं, जिसमें से दोस्तों ये बताया गया है कि साथियों इटली के साउदर्न कोस्ट में दोस्तों एक नाव के पलटने की वजह से साथियों ये घटना घटी है जिसमें से बहुत सारे लोग मारे जाने की खबर आ रही है। वहीं भी दोस्तों आज के दिन सुबह सुबह ही बहुत ही बड़ी घटना घटी है, दो ट्रेनों के बीच में वहाँ पर कोलाइजन हुआ यानी टक्कर हुआ ग्रीस में। तो साथियों दो ट्रेनों को टकराने की वजह से वहां पे भारी मात्रा में मारे जाने की दोस्तों खबर आ रही है। अभी तक सोचो कितने लोग मारे गए हैं इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा लोग मारे जाने की अपडेट आ सकती है। तो साथियों कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोगों को वहाँ पर रेस्क्यू किया गया है इसके बारे में दोस्तों कल ही अपडेट निकल कर आ गई, पर दोस्तों अभी एक आंकड़ा के तौर पर यह बताया गया कि लगभग 16-17 लोगों की दोस्तों बॉडी अभी तक निकाली जा चुकी है और भी इसको दोस्तों मारे जाने की दोस्तों इसमें खबर हो सकती है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1 मार्च 2023 स्टार्ट हो चुका है, जैसे ही नया महीना आता है वैसे ही कतर एनर्जी के तरफ से कतर फ्यूल प्राइस को लागू कर दिया जाता है। तो जो भी भाई लोग आप लोग अभी कतर में रहते हो गाड़ी वगैरह को चलाते हो तो आपको मैं प्राइस बता देता हूँ कि अभी क्या क्या आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यदि अभी आप 1 लीटर प्रीमियम गैसलाइन खरीदते हो तो 2 कतर रियाल पर लीटर के हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं पे यदि आप सुपर गैस लाइन खरीदते हो तो आपको 2.10 कतर रियाल पर लीटर पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों यदि आप डीजल खरीदते हो तो डीजल के लिए आपको 2.05 पर लीटर के कतरे रियाल के हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये पूरी तेल की जो भी तेल वगैरह को आप खरीदते हो तो दोस्तों अभी की ये रिपोर्ट है, इसमें से हो सकता है दोस्तों यदि वीडियो को मेरे आप 10 दिन बाद 1 महीने के बाद देख रहे हो 2 महीने के बाद देख सकते हो तो इसमें से थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, पर ज़्यादा फर्क नहीं आता, थोड़ा बहुत की फर्क होता है। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है कतर से साथियों खबर आ रही है मदीनात अल कबान। तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक अथॉरिटी वसगाल के तरफ से एक रास्ते को बंद किया गया है 2 मार्च से लेकर 30 अप्रैल 2023 तक, जो मदीनात अल कबान एसटी जो रास्ता है उसे दोस्तों बंद किया जा रहा है। अब साथियों रास्ते का बंद करने का रीज़न ये है कि वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चलेगा। तो पब्लिक अथॉरिटी वसगाल के तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि मदीनात अल कबान स्ट्रीट जो है वो पार्शियली क्लोज रहेगा दोनों डायरेक्शन 2 मार्च से लेकर दोस्तों 30 अप्रैल तक। तो लगभग मान के चल सकते हैं कि 2 महीने का लगभग दोस्तों ये बंद रहेगा। तो जो भी आप लोग भाई लोग उस रास्ते से आप लोग जाते थे तो रास्ते को चेंज कर लीजिएगा ताकि आप लोग को जाने के बाद फिर आपको रास्ता घूम के फिर आपको नहीं जाना पड़े। अगली अपडेट की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथियों CTC फेस्टिवल को लेकर। तो दोस्तों CTC फेस्टिवल कहा जाता है कॉफ़ी टी चॉकलेट, ये साथियों फेस्टिवल जो है 2 तारीख से लेकर 11 मार्च तक 3 बजे से लेकर 11 बजे रात तक चलने वाला है। तो जो भी यदि आप लोग इसमें जाना चाहते हो देखना चाहते हो तो आप जा सकते हो, इससे इसका फेस्टिवल का आप लुत्फ़ उठा सकते हो अलविदा पार्क में। तो ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट्स थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।